हेलो एवरीवन स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल पढ़ाई में आज हम करेंगे बच्चों बच्चों वाला ही टॉपिक है ठीक है बट फिर भी ये फ्री के मार्क्स ले आएगा ठीक है और जैसे मैंने एक बार पहले भी वीडियो बनाई थी उसमें आपने लिखा था कि इतना सिंपल नहीं आएगा तो मैंने कुछ सिंपल कुछ मीडियम कुछ डिफिकल्ट ऐसे मिक्स मिक्स करके दिए हुए हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि री कैसे करनी है और आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाए कि हाँ भाई कैसे कैसे क्या होगा ठीक है तो यहाँ पर भी मैंने मिक्स फिक्स किया आएगा ठीक है इजी भी आ सकते हैं मीडियम भी आ सकते हैं टफ भी आ सकते हैं तो दैट्स माई ऑल्सो मिक्स ठीक है तो अगर आपको कोई भी डाउट आए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दू कि अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो और अगर आपको नोट्स चाहिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है तो फिर आप टेलीग्राम पर जाकर उनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो दोनों इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ठीक है अब हम स्टार्ट करते हैं तो री ऑर्डरिंग में या फिर रीअरेंजिंग में क्या आता है कुछ उल्टे फुलटे वर्ड्स करके दे रखे होते हैं आपको उन्हें सीधा करके सिंपल सेंटेंस बनाना है ठीक है तो जैसे कि यहाँ पर अभी एक एग्जाम्पल है देखो ए लवर इज एनिमल पैशनेट ही ये तो साफ साफ ही समझ में आ रहा है जैसे कि ही इज ए पैशनेट एनिमल लवर ठीक है ये तो इजी था नेक्स्ट देखो कैंपेन बर्ड्स ही केट फ्री टू ये थोड़ा सा ट्रिकी है तो यहां पर लिख सकते हैं हम ही उसने कैंपेन किया ठीक है तो ही से तो समझ में आ गया कि ही पहले क्योंकि सब्जेक्ट है ही कैंपेन उसने कोई एक कैंपेन चलाया किस चीज का ही कैंपेन टू फ्रीज बर्ड ये जो पिंजरे में बंद कई लोग पक्षी रख लेते हैं जो कि अपने पिंजरे में रख लेते हैं घरों में उसने कैंपेन किया कि उनको फ्री करो ठीक है तो अब यहां पर थोड़ा ट्रिकी था इसको सो, थोड़ा सोचने में टाइम लगा ओके आगे देखो ये थोड़ा सा बड़ा है टू हर फर्स्ट सुधा स्टैंड हार्ड क्लास इज स्टडिंग इन ये थोड़ा बड़ा है इसलिए आपको इसको टाइम भी लगेगा सॉल्व करने में लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है सब्जेक्ट ढूंढना है किसके बारे में बात हो रही है सुधा के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर सुधा लगा दो ठीक है सुधा अब कोई एक वर्ब सुधा इज ठीक है इज वर्ब आ गई सुधा इज अब कोई एक वर्ब के साथ आई एन जी सुधा इज स्टिंग और देखो स्टडिंग हार्ड ठीक है टू स्टैंड फर्स्ट इन हर क्लास थोड़े बड़े वाले में टाइम लग सकता है ठीक है अब आगे देखो आ, इस तरीके से थोड़ा छोटा कर देती हूं ठीक है हेल्दी टेक्स कीप हिमसेल्फ एवरीडे एक्सरसाइज कमल टू अब यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी है बट फिर भी हम करने की ट्राई करते हैं सबसे पहले कमल 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 एक्सरसाइज एवरी डे है ना कमल टेक्स एक्सरसाइज के से पहले भी आएगा टेक्स टू यहाँ पर इज वगैरह नहीं है ना तो यहां पर आएगा टेक्स टू एक्सरसाइज एवरी डे ठीक keep, keep है तो इस तरीके की आएंगे कुछ लंबे आ सकते हैं, कुछ छोटे मीडियम थोड़ा सोचने वाला ज्यादा या फिर कोई सिंपल भी आ सकता है ना अब यहाँ पर आंसर भी लिख दिए मैंने अब इस थोड़े से और कर लेते हैं ठीक है इसको हैं थोड़ा दिमाग चकरा जाएगा, but फिर भी हम कर लेते तो तो देखो starting, तो देखो इसकी starting जो ऐसे हो सकती है कि टाइम के बारे में बात हो रही है सब आप ये देख लो कि किसके बारे में बात हो रही है टाइम के बारे में फिर सब्जेक्ट के बारे में ठीक है तो सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट आपका टाइम हो गया ठीक है टाइम अब टाइम के साथ क्या वर्ड शूट कर रहे हैं विदाउट एनी स्टॉप ऑन फ्लोस फ्लोस ठीक है टाइम फ्लोस ऑन ठीक है विदाउट एनी स्टॉप ये बन गया आगे का अपने आप ही विदाउट एनी स्टॉप ओके डन नेक्स्ट देखो थिंग्स दैट इज वाई चेंजिंग ऑलवेज आर बात किसके बारे में हो रही है थिंग्स के बारे में थिंग्स नहीं दैट इज वाई लग रहा है मेरे को पहले दैट इज वाई दैट इज वाई क्योंकि that is why बाद में fit नहीं हो सकता है इसलिए हमें पहले लगाना पड़ता है ठीक है तो इस तरीके से हो गया फुल स्टॉप हाँ ये ध्यान रखना फुल स्टॉप जरूर लगा लेना फुल स्टॉप नहीं लगाए तो आधा नंबर वहीं पे कट जाएगा ये बहुत बड़ी बात है ठीक है नेक्स्ट देखो चेंज इन फैक्ट लॉ ऑफ इज द ऑफ नेचर ये थोड़ा इजी है चेंज इन फैक्ट आएगा पहले नहीं तो इन फैक्ट हम कहा से कर सकते हैं यहां पर भी एक ऐसे आएगा इन फैक्ट कॉमा चेंज सी छोटा है ठीक है सी इज स्मॉल इन सब चीजों को भी ध्यान रखना आपको चेंज इज दॉ

जो पांच छे क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो तो आप खुद करने की कोशिश करना ठीक है ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी वर्कशीट लास्ट वाला वर आप खुद करके देखना ठीक है सो आई होप आपको रीऑर्डरिंग ईजी सिंपल मिक्स थोड़ा सा मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए वो आपको समझ में आई होगी इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज यू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल थैंक यू सो मच